अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन बादल सारा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बफजले खुदा खैरो आफियत से होंगे। तो जी, आज का थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आज किस शख्सियत के मुतल्लिक बात करने लगी हूँ। तो हाँ, बिल्कुल, मैं आज बात करने लगी हूँ स्ट्रॉन्ग उस्मा के मुतल्लिक। स्ट्रॉन्ग उस्मा अपी क्या है और किस तरह से हैं, ये सब आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने कहीं से भी स्किप नहीं करना। और सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं रहती हूँ आपके इजहार की मुंतज़र। तो जी, चलते हैं हम उस जानिब जो मेरी वीडियो का मेन पॉइंट था, मेन टाइटल था कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा अपी की हकीकत। तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा अपी एक नहायत ही बहादुर और दिलेर, बाहिम्मत और बाहौसला खातून हैं और वाकई उन्होंने पाकिस्तान की बेटी होने का हक अदा किया है। वो पाकिस्तान की बेटी के रूप में पाकिस्तान का एक मजबूत जवान बेटा है, जिन्होंने बग़ैर किसी गर्ज के, बग़ैर किसी लालच के इतने सारे लोगों को सपोर्ट किया। ये वाहिद ऐसी बंदी हैं कि जिन्होंने नहीं देखा कि इनसे किससे, कौन इनसे राबता करे, वो किस स्टैंडर्ड से है। इन्होंने बस उसकी आवाज़ सुनी और उस चीज़ों को पूरा करने की कोशिश की। तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा अपी को पूरे पाकिस्तान की जानिब से एक सलाम कि आप वाकई ही आप इकबाल ने जिन शाहीनों का ज़िक्र किया था, आप उनमें से एक शाहीन हैं और अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, रहमतों नेमतों की ख़जानों से नवाजे, कुल जहानों के ख़जानों से नवाजे, और इसके साथ साथ आपको सच्चे अच्छे और मुखलिस लोगों का साथ नसीब फरमाए। और मुझे आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे, और आप वाकई बेटियों के लिए जो है वो इंस्पिरेशन है। जो न्यू जनरेशन हमारी अब आ रही है उसके लिए आप एक चमकता सितारा हैं। लोग आपसे देख के हिम्मत, हौसला और आगे बढ़ने की जो एक लगन है वो हासिल करते हैं, और ये लगन इसी तरह जो है वो जगमगाती रहे और रोशनी बख्शती रहे। तो इसी के साथ अपना रखिएगा आप सब बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और वीडियो को मैं वंस अगेन आप सबसे कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही मखलूक खुदा की खिदमत करना है। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।